हाँ जी रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, मुझे जो है अपनी बाइक के कुछ ऐसी सीरीज का काम करवाना था, तो मैं वहाँ पे सबसे पहले मैं टायर चेंज करवाने के लिए गया था टायर शॉप पे। पहले आप उधर की वीडियो देख लें, और फिर उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें करवाई थी। कलर वलर किया ही है, ये कलर इससे। और बस तो यार आज मैं आया हूँ टायर लेने के लिए यहाँ पे अपने करीबी टायर शॉप पर। यहाँ पर मुझे बहुत सारे टायर पसंद आए। सबसे पहले ये वाला टायर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये 8 लाई का था। उसके बाद मुझे ये सारे अच्छे टायर लगे, वाला भी, ये वाला भी, और अब एंड में जो थे अगले टायर आ गए थे। तो ये वाला मुझे अच्छा लगा था, लेकिन ये 8 प्लाई का टायर था, मुझे 6 प्लाई का चाहिए था, तो इस वजह से मैंने ये नहीं लिया। इसमें और इसमें बात चलती है, अब देखते हैं ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये वाला पसंद आ गया ना, ये वाला तो हम हाथ ही हाथ के हाथ यही से डर जो है ना लगवा भी देंगे अपनी इस बाइक के अंदर। यहाँ से लगवाते हैं इसके अंदर। टायर इसका मैंने चेंज करा लिया है, मैं 2 मिनट आपको फ्लैश खोल के दिखाता हूँ। नया टायर डलवा लिया है मैं। इसके साथ एक ये ब्लैक कलर का स्प्रे लाया था, और ये एक मोनोग्राम लाया था, और एक वाइल्ड लॉक लाया था जो मैंने गाड़ी में लगा दिया है। और अभी हम जो है ना ये कलर करेंगे मड गार्ड पे और उस पे चेन कवर पे। हमने चेन कवर ले लिया, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। इसकी सफाई करेंगे और फिर इसके ऊपर कलर करेंगे। मैं ये सफाई कर दी, अब मैं इसके ऊपर ना हल्का हल्का सा करके स्प्रे मार दूंगा इस तरह। यार अब जो है वो मैंने स्प्रे की मदद से इसके ऊपर भी कर दिया। मैं आपको अपना हाथ दिखा देंगे कैसे गंदे हो गए। पेट्रोल की मदद से इसे साफ़ कर लेंगे, ये कर दिया है, और मड गार्ड भी हो गए, और फाइनली मोनोग्राम भी लगा लिया है, और मड गार्ड पर कलर भी कर दिया, और हाथ देखिए पेट्रोल से सब साफ़। मैंने इसके यहाँ पर कलर मारा, और पीछे आप देख सकते हैं मड गार्ड पर मारा, और इधर ये इस तरफ सामने सुपर पावर का मोनोग्राम लगाया यहाँ पे। ये सब जो है छोटा मोटा बड़ा काम किया इसके अंदर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय।